दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन है बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। और दोस्तों यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे मित्र बनाइए। अच्छे लोगों के साथ में रहने से आपको बहुत ही फायदा होगा। कुछ ही समय में आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर आपकी गलत संगति है तो उसको तुरंत ही त्याग देना चाहिए। गलत लोगों के साथ में कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गलत लोग स्वयं तो कुछ करते नहीं हैं, जो अच्छा करने की कोशिश करते हैं उनको भी वो करने नहीं देते और आपको दिग्भ्रमित करते रहेंगे और एक न एक दिन आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको गलत आदतें सिखाता है या गलत संगति में ले जाता है तो उसका साथ तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आपको एक सफल इंसान बनना है तो अच्छे लोगों की संगति करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप गलत लोगों की संगति में हैं तो तुरंत ही आज ही उसको छोड़ दीजिए और अच्छे लोगों की संगति करने की कोशिश कीजिए। देखने कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ही बदलाव आया, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। ऐसे लोग ना खुद पढ़ते हैं ना किसी और दूसरे को पढ़ने देते हैं और गलत रास्ते पर ले जाते हैं, अपना जीवन तो खराब करते हैं, वो अच्छे लोगों का भी जीवन खराब कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने ये नियम अपना लिए कि अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छा सोचना है, अगर गलत लोग हैं तो उनको हमें तुरंत ही त्याग देना है, चाहे वो हमारा कितना भी घनिष्ठ मित्र हो। मित्र कभी आपको कहीं गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, वो आपका मित्र नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आज से ये प्रक्रिया अपना लीजिए। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो उसको तुरंत ही छोड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे उससे संबंध खत्म कर दीजिए और आप अपने पढ़ाई पे अपना फोकस कीजिए। सबसे पहले हमारा जो शब्द है, अब मैं आपको शब्द बना के बता रहा हूं, पहले शब्द है वह है प्रतिक्रिया भी हो रही है। लिखेंगे प्रतिक्रिया भी हो रही है। इसके बाद में है साप्ताहिक, इसको इस तरह से बनाएंगे साप्ताहिक, सा को छोटा बनाएंगे और हा को बड़ा बनाएंगे, ये हो गया साप्ताहिक। इसके बाद में खत्म किया जाना चाहिए, इस तरह से लिखेंगे खत्म किया जाना चाहिए। आगे है एक्सप्रेस, इसको इस तरह से बनाएंगे एक्सप्रेस। इसके बाद में है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इसको इस तरह से लिखेंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आगे है पदाधिकारी, पदाधिकारी। इसके बाद में शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। आगे है समरसता, समरसता। इसके बाद में आएगा सम्मान के साथ, तो लिखेंगे सम्मान के साथ। इसके बाद में है सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक। इसके बाद में है सम्मानजनक, सम्मान योग्य जनक। इसके बाद में है सम्मानपूर्ण, सम्मानपूर्ण। आगे है भारतवासी, क्या बनाएंगे भारतवासी। इसके बाद में आएगा भारतवर्ष, भारतवर्ष। आगे है भारत भूमि, इसको इस तरह से भारत और ये भूमि। इसके बाद में है भारत माता, बनाएंगे भारत माता। आगे है प्रचलन, इसकी आउटलाइन बनाएंगे प्रचलन। इसके बाद में है प्रचलित, इसको इस तरह से बनाएंगे प्रचलित। इसके बाद में है संक्षेप, संक्षेप।
लास्ट में है संक्षिप्त, उसको लिखेंगे इस तरह से संक्षिप्त, ये हो गया संक्षिप्त। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको शब्द हैं इनकी आउटलाइनें बना के बताई हैं, इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी, और शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी निश्चित ही बढ़ेगी, गलतियाँ भी आपकी कम होने की संभावना हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी गलतियाँ ना के बराबर हो जाएंगी और एक आप अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता का मूल मंत्र है। चाहे कितनी भी परेशानी आए लेकिन आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। आज ही से अपना नियम बना लीजिए, मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों का साथ देना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है हमें, तभी हम सफल हो सकते हैं। हमारे अंदर जो व्यसन है उनको दूर करना है, और अगर सामने वाला भी कोई व्यसनी है उससे भी कहना है कि आप इन व्यसनों को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ता है तो आप उसी व्यक्ति को तुरंत ही छोड़ दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।